सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो गेट 2017 में पूछा गया था. लेट ए बी एन एरे ऑफ 31 नंबर्स. सो मेरे पास एक एरे है जिसमें 31 नंबर्स आ सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए सिक्वेंस ऑफ जीरोज फॉलोड बाय सिक्वेंस ऑफ वंस. तो ऐसा है कि भैया कि एक सिक्वेंस है कई सारे जीरो का और उसके बाद कई सारे वन है और ये टोटल जो है 31 है. ओके, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड स्मॉलेस्ट इंडेक्स आई सच दैट ए आई इज वन. हमें वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स आई निकालना है, जो इनके इंडेक्स होंगे वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स आई निकालना है जिसपे ए आई जो हो वो वन हो, ये वैल्यू वन हो, बाय प्रोबिंग द मिनिमम नंबर ऑफ लोकेशंस इन ए. और ऐसा हमें तब करना है, कैसे करना है कि मिनिमम लोकेशंस हम जो हैं ए में प्रोब कर सकें, मतलब आगे बढ़ सकें. जितनी कम मिनिमम लोकेशंस में हम यहाँ पहुँच सकते हैं वो हमें बतानी है. द वर्स्ट केस नंबर ऑफ प्रोब्स परफॉर्म बाय एन ऑप्टिमल एल्गोरिदम इज. तो अब हमें एक एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज करना है और फिर बताना है कि यहाँ पे वर्स्ट केस में हमें कितने प्रोब्स लगेंगे. तो यहाँ सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ सबसे पहले एक सिक्वेंस आ रहा है जीरो का, फिर वन का आ रहा है. इसका मतलब ये एरे क्या है, सॉर्टेड है. और सॉर्टेड है तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ. ओके, सो इस बाइनरी सर्च में मुझे क्या हो, क्या फ़ायदा होगा कि मुझे बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी पता है. ओके, तो वो होती है वर्स्ट केस में लॉग एन. तो यहाँ पे 31 है यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे मेरा आया लॉग बेस टू 31. ये कितना होता है 4.95. मैं इसका फ्लोर ले लूँगा जितना जो आएगा 5. इसका मतलब इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए. तो जो 5 हैं वो मेरे टोटल प्रोब हो जाएंगे जिसमें मैं 1 को ढूंढ सकूंगा. तो आंसर क्या हो गया इसका, 5. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी गेट 2017 में पूछा गया था. कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स टू रियल नंबर्स. तो हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं. द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अबव फंक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज. तो हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो ये कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इन सारे फंक्शंस को लिख लीजिए. ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ पुट करके देखूंगा और देखूंगा कौन सा फंक्शन किससे बड़ा है. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से. तो n की वैल्यू 2 हुई तो अंडर रूट 2 1.414, ये 10 तो 10 ही रहेगा. और log बेस 2 n, log बेस 2 2 1, 100 अपॉन 2 ये हो गया 50. ओके, थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 64 ले लेते हैं. तो 64 में ये हो गया 8, ये 10 ही रहेगा. log बेस 2 64, यहाँ पे 64 हो गया 2 की पावर 6, तो बाहर आ गया 6, तो ये वैल्यू हो गई 6. 100 अपॉन 64 कुछ, 100 अपॉन 64 आएगा लगभग 1 कुछ. ओके, तो ये 1 कुछ आएगा. तो यहाँ छोटी वैल्यूज़ के लिए जैसे फंक्शंस की ग्रोथ थी वैसी बड़ी वैल्यूज़ के लिए नहीं है. ओके, एक और थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 128 ले लिया मैंने, सॉरी 256 ले लेते हैं. ये 128 में अंडर रूट करना हमें कठिन होगा, तो 256 आंसर हमें एजम्पशन ले लेते हैं. तो 256 के लिए हो गया, ये हो गया 16, ये 10 ही रहेगा. और ये हो गया 256 के लिए 8. ओके, 2 की पावर 8 होता है 256, 8 बाहर आ गया. 100 अपॉन 256 ये 0 के सीप कुछ में चला गया. तो जैसे जैसे फंक्शन बढ़ रहा है वैसे हम देख रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने वैल्यू काफ़ी बड़ी ले ली है, तो यहाँ पे n जो है वो सबसे बड़ा है 256. n से छोटा हमारा अंडर रूट n है. ओके, अंडर रूट n से छोटा हमारा क्या है, यहाँ पे log बेस 2 n अभी 8 आ रहा है, लेकिन मैं और बड़ी वैल्यू लूंगा. तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 512 ले लेता तो ये 10 ही रहता, लेकिन ये हो जाता, सॉरी 512 नहीं 1024 अगर लेता तो ये भी 10 हो जाता. और अगर इससे बड़ी वैल्यू लेते तो ये बढ़ता ही चला जाता, समझ रहे हैं. तो इसका मतलब log बेस 2 n जो है इस फंक्शन से बड़ा है. तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, log बेस 2 n.
ठीक है, और इससे छोटा ये फंक्शन है 10, और सबसे छोटा हमारा क्या है 100 अपॉन एन, क्योंकि जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ये फंक्शन हमारा छोटा ही होता चला जा रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा ऑर्डर, तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है और उसके बाद पूछा है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये भी जो क्वेश्चन है गेट 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे i जो है वो 1 से लेकर n तक जा रहा है और 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और j भी 1 से लेकर n तक जा रहा है लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो i का हो रहा है। ओके, और प्रिंट एफ हो रहा है i ऑल j। तो हमें यहाँ पे बताना है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ से देखना चालू करते हैं। तो i जब 1 है, i की वैल्यू जब 1 होती है, तो इस 1 के लिए j क्या होता है, 1, 2, 3 ऐसे करते करते वो एन माइनस 1 तक जा रहा है। ओके, सो 1 के लिए वो n माइनस 1 तक जा रहा है। जब i 2 होता है, मतलब यहाँ पे टोटल कितनी बार चल रहा है j हमारा, टोटल जो है j हमारा n टाइम्स चल रहा है, n माइनस 1 टाइम्स। जब i 2 होता है तो 1, 3, 5 मतलब i का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है ना, तो 2 का इंक्रीमेंट करेगा। इससे हमारा इंक्रीमेंट करते हुए कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, n माइनस 1/2। ऐसे जब i 3 होगा तो 1, 4 यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट होगा और आगे जाएगा, तो n माइनस 1/3 टाइम्स यहाँ पे चलेगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब i जो होगा वो n हो जाएगा, तो j जो होगा वो सीधे n का इंक्रीमेंट लेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वो e की बार चलेगा। ओके, तो टोटली कितनी बार चला, ये टोटल चला है n माइनस 1 प्लस n माइनस 1/2 प्लस n माइनस 1/3 .. 1 टाइम। ओके, सो इन सबको जब मैं प्लस करूंगा, तो अगर इन सब टर्म्स को मैं n मान लूं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस .. 1 तक जाएगा, ये n होगा। और n जब कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस .. प्लस 1/n। ओके, तो ये सीरीज हो जाएगी n log n। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है थीटा ऑफ n log n। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी गेट 2017 पूछा गया था, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करने में काफी मजा आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली हमारा मास्टर थ्योरम को नहीं दिखाता है, पर हम इस क्वेश्चन को मास्टर थ्योरम में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है टी एन दे रखा है 2t√n+1। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट एन है ये जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कर रहा है तो हटा देते हैं। तो एन को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए 2m, तो 2m एज्यूम करा तो टी एन हो गया t 2m इज इक्वल्स टू 2t, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2m का अंडर रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2m/2, 2t 2m/2 प्लस 1। अब ये 2m/2 मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, मैं एस एम ले लेता हूँ t 2m, तो ये कितना हो जाएगा t 2m/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sm/2। ओके, हो जाएगा, इसको मैं यहां पे पुट करता हूं, तो ये हो गया मेरा एस एम इज इक्वल्स टू 2sm/2+1। तो अब ये इक्वेशन जो है ये अब मैं मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूं, ये मेरे को सॉल्व करनी आती है। तो देख लेते हैं, यहां पे ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और यहां पे जो है n की पावर 0 है, मतलब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1 था तो n1 को लिख सकता हूँ, n की पावर 0 मतलब ये क्या होगा, k हो गया, तो k की वैल्यू आ रही है 0, और log n में तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या आ रही है 0। अगर आपने मास्टर थ्योरम अभी तक नहीं पढ़ी है तो मेरी पिछली वीडियो है उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं मास्टर थ्योरम। ओके, तो अब मैं इसे कंपेयर करूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a और b की पावर k को कंपेयर करा, मतलब 2 को और 2 की पावर 0 को, 2 और 1 को, तो a जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है b की पावर k से, इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा ऑफ m log base b a।
तो थीटा ऑफ एम लॉग बेस बी ए, मतलब दोनों सेम है तो लॉग बेस टू टू, तो ये क्या हो गया थीटा ऑफ एम। और एम हमने क्या एज्यूम करा था, एम हमने एज्यूम कर रखा था, एन को हमने टू की पावर एम एज्यूम कर रखा था, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग एन हो जाएगा हमारा एम, ओके लॉग बेस टू एन। तो एम की जगह मैं लिखूंगा थीटा ऑफ लॉग बेस टू एन, यहाँ मेरा आंसर क्या आ गया थीटा ऑफ लॉग एन, ओके।